अगर ये तंदूरी चिकन क्रोसॉन्ट आपने घर में बना लिए तो सब आपके फैन हो जाएंगे। सबसे पहले चिकन के फ्ले को मैरिनेट कर लेंगे, अदरक लहसुन योगर्ट मस्टर्ड पेस्ट तंदूरी मसाला जो कि रेडीमेड था, लेमन जूस ऐड कर दिया, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया था ताकि इसके अंदर थोड़ा सा स्पाइसी सा फ्लेवर आ जाए। इसको मैरिनेट करेंगे हाफ एन आवर के लिए। ग्रिल पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, इसके अंदर फ्ले ऐड कर देंगे। आप जो है सिंपल पैन में भी इसको कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट तक के लिए मैंने कुक किया था। अच्छी तरह से इसकी साइड चेंज कर करके मेक श्योर कर लिएगा ये कच्ची ना रहे। सेम पैन को यूज़ करते हुए मैंने अनियन के रिंग्स डाले जो कि मैंने चिकन के साथ ही मैरिनेट करने के लिए रख दिए थे। इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ये हमारी कैरमलाइज्ड अनियन जो है वो तैयार होगा। इस तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। चिकन को फोक की मदद से इस तरह से मैंने पीसेस में कट कर लिया था, थोड़े मोटे रखेगा और इसको भी ग्रिल पैन में थोड़ा सा ग्रिल कर लेंगे ताकि अंदर तक इसके फ्लेवर आ जाए। अब यहाँ पे क्रोसॉन बनाने के लिए मैंने पफ पेस्ट्री का इस्तेमाल किया जो कि मैंने लोकल बेकरी से परचेज की थी और इसको इस तरह से कट करके रोल कर लेंगे हम। इसके ऊपर एग योक लगाई है मैंने ताकि अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। इससे आप पेटीज वगैरह सब चीजें बना सकते हैं। इसको बेक कर लेंगे जब तक गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। इसको बीच से कट कर लेंगे, मेक श्योर कर लेगा थोड़ा ठंडा हो जाए तो ही कट करें। अब ये जो आपको स्क्रीन पे सॉस नजर आ रही है आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें। मैंने ये वाली यूज की है, आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं, मायो केचप कुछ भी लगा लें। इसके बाद सैलेड लीफ रखा है, तंदूरी चिकन रखी है, कैरमलाइज्ड अनियन रखे हैं, चीज़ का स्लाइस रखा है और दोबारा से सॉस ऐड कर दिए एंड आपके जो क्रोसॉन्ट है वो बनके तैयार हो गए एंड इट्स गुड टू गो। बहुत फिट बनते हैं तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा।